हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सिलेक्ट बैंक फॉर एक्सपोर्ट। यस, यहाँ पे मेरे यूट्यूब में बहुत सारी कमेंट्स आई है कि सर हाउ टू सिलेक्ट बैंक फॉर एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप नए एक्सपोर्टर हैं, तो बैंक का सिलेक्शन बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बैंक है आपकी बिजनेस में पार्टनर है। जो भी आपका पैसा जाएगा यहाँ से, अगर आप इम्पोर्ट करते हो तो भी बैंक से जाएगा, जो भी पेमेंट आएगा वो भी बैंक से आएगा। और यहाँ पे जो है आपको फाइनेंस भी लेना है तो फाइनेंस भी आपको बैंक से लेना है। अगर तो बैंक आपकी अच्छी रही तो आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैंक के क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ तो बैंक जो है वहाँ पे फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एडी कोड, ऑथराइज डीलर कोड, जिस ब्रांच के पास हो। मैं आपको बताऊँ, मोस्ट ऑफ सब जो बैंक है उसके पास एडी कोड होता है। छोटी छोटी बैंक को छोड़ के बाकी सब बैंक के पास ऑथराइज डीलर कोड होता है। जो RBI ऑथराइज डीलर कोड एक देती है, जो बैंक एडी ऑथोराइज है वही फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करती कर सकती है मेनली। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बड़ी ब्रांच होगी वहाँ पे मोस्टली एडी कोड होता है। तो आप जब भी आपके नियर बाय जो भी बैंक है वहाँ पे जाइए और उससे पूछिए, सर आपके पास एडी ब्रांच है, आपके पास एडी कोड है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। दूसरा एक क्राइटेरिया, कौन सी बैंक अच्छी है, तो मैं आपको बताऊँ मोस्टली गवर्नमेंट बैंक भी अच्छी है, बट सर्विस की दृष्टि से हम बात करें तो प्राइवेट बैंक अच्छी होती है। मेनली ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंक से अच्छी है और इसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा लोकल में बिजनेस कर रहे हो, तो आप इंटरनेशनल बैंक HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बैंक है। तो ये जो बैंक मेनली हमें क्या चाहिए, सर्विस चाहिए। मेन क्या है, हमें सर्विस चाहिए। तो और एक तो एडी कोड वाली ब्रांच, और दूसरा जो ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाते हो वहाँ पे फॉरेक्स ट्रांजेक्शन होता है, फॉरेक्स का बंदा बैठता है, क्योंकि तभी उसको मालूम होगा कि ये LC क्या होता है, दूसरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, BRC क्या होता है। बाकी मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, मैं बैंक में गया, बोला मुझे एडी कोड चाहिए, बोले वो क्या होता है हमें पता ही नहीं है। एक बार मैं गया, बोला मुझे IC के लिए बैंक सर्टिफिकेट चाहिए, बोले वो क्या होता है हम तो देते ही नहीं किसी को, तो उसको पता ही नहीं है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट मेरे को कॉल कर रहे, सर छोटी ब्रांच होती है, मैं गाँव में हूँ, ये लोग अकाउंट खोलने से मना कर रहे हैं, बोल रहे एक्सपोर्ट के लिए अकाउंट खुलना है तो IC कोड दो। पर पहले बैंक अकाउंट होगा तो IC कोड आएगा, समझ रहे। तो छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती है गांव में ब्रांच, उसको इतना आइडिया नहीं रहता है। तो जहां पे फॉरेक्स का बंदा बैठता है वहां पे आप अकाउंट खुलवाइए, एडी कोड होगा तो वहां मोस्टली फॉरेक्स का बंदा बैठेगा, तो उसको सब पता रहेगा। क्यों, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको इतना पता नहीं है, बट जब आप आगे बढ़ते हो तब आपको लोन चाहिए होती है, गवर्नमेंट की सब सब्सिडीज मिलती है एक्सपोर्ट में, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, तो वो सब आपको बेनिफिट जो बंदे को पता है तो आपको वो बता सकता है, आप ले सकते हो। और गवर्नमेंट की क्या है, एक्सपोर्ट में बहुत सारी नई नई स्कीम भी आती रहती है, तो जो भी स्कीम आती है तो उसको पता रहेगा। बाकी नॉर्मल जो बैंक वाले हैं वो तो सिर्फ करंट अकाउंट के पीछे ही पड़े, सर अकाउंट ओपन कराओ, बहुत अच्छा स्कीम है, तो ऐसा स्कीम वाला नहीं चाहिए हमको। हमको एक्सपोर्ट के लिए अच्छी जो गुड सर्विस चाहिए। क्या चाहिए हमको, गुड सर्विस चाहिए, तो ये अच्छी बात है। तो ऑथराइज डीलर कोड हो वहाँ पे खुलवाइए, जहाँ फॉरेस्ट का बंदा बैठता है वहाँ पे खुलवाइए, तो आपको जो है अच्छी सर्विस मिल जाएगी यहाँ पे। और दूसरी बात कि कई लोग है कि सर हमारे गांव में रहता हूँ या छोटा सिटी है मेरा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो भी अच्छी बैंक है वहाँ पे अकाउंट खुलवा लीजिए। जब आपको ऐसी सर्विस चाहिए तो नियर बाय बड़ा सिटी है वहाँ पे जाके आप एक बार वो मैनेजर वगैरह से मिल के आइए, उसका नंबर लेके आइए। देखो अब है ना पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, तो वो अगर आप सपोज कोटक महिंद्रा बैंक है, आपका सिटी बहुत स्मॉल है, तो वहां पे उसके फॉरेस्ट की कोई सर्विस इतनी नहीं है, बराबर, या कोई ICICI बैंक है, कोई भी बैंक है, वहां पे उसकी कोई फॉरेस्ट की सर्विस नहीं है। तो नियर बाय कौन सा बड़ा सिटी है, वहां पे तो उसका एडी कोड वाली ब्रांच होगी, वहां पे तो उसका फॉरेस्ट का बंदा बैठता होगा, तो आप एक बार पर्सनली विजिट कीजिए। देखो आपको मैं सक्सेसफुल होने का तरीका बता रहा हूँ कि पर्सनल विजिट बहुत महत्व रखती है। यहाँ पे क्या आजकल लोगों को सबको कॉल पे काम करना है, बस फोन कर लो, सर ये नहीं हो रहा है, फिर आप जाओ तो खरी तभी होगा। तो मेरे कॉल पे किसको कोई सीरियसली आपको नहीं लेगा, कॉल पे सीरियसली नहीं लेते आपको। कि तो आपको क्या करना है, पहले आप एक काम करो, वो बड़ी ब्रांच को विजिट करो,
अब वहां पे जाओ, फॉरेस्ट के बंदे से आमने सामने मिलो, बात करो, सर क्या होता है कैसा होता है, और उसका जो ऑफिशियल नंबर होता है, और पर्सनल देता है तो ठीक है, बाकी बी प्रोफेशनल, उसका जो प्रोफेशनल नंबर है वो आप नंबर ले लीजिए, और फिर आपको कभी कोई क्वेरी आती है तो आप उससे बात कर सकते हैं, तो वो भी आप उसे दे से मैं ये हूँ आपसे मिला था, तो वो अच्छी तरह से बात करेगा आपसे, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप जान के आइए, फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसे कॉल कीजिए या आप ईमेल से भी उसकी सर्विस ले सकते हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो गांव में भी हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आपको आप खुद ऑब्जर्वेशन करो, एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अच्छी बैंक में आप अकाउंट खुलाओ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, क्योंकि आगे जाके फिर उसमें जो डीबी के आता है, ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट आता है, वो भी वो अकाउंट में आता है, जो फिर आप वहां पे आईसी में डालोगे, फिर आप एडी कोड जो एक्सपोर्ट करोगे तब एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाओगे पोर्ट पे, तो उसमें से बेनिफिट्स भी उसमें जमा होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अच्छी बैंक में अकाउंट खोलो, पहले से एक अच्छी बैंक चूज करो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको जरूर आंसर दूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपके क्वेश्चन का मैं जरूर आंसर दूंगा। और आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।